जहाँ अजी कितना बड़ा है ये ओ भाई ये कितना बड़ा है। बहुत देर से चलाते चलाते मैं सीरियसली थक गया था यार, सोचा एक बार बाहर निकल के दिखाऊं। तो फिलहाल ये हम घाटी क्रॉस करके इस वाले रास्ते से आ रहे हैं, आप जो ट्रक्स देख रहे हो जाते हुए इस रास्ते से आ रहे हैं। बहुत ही ग्रीन है यार, बहुत ही ग्रीन है, और अपने को ऐसे करके कहीं पे जाना है। मतलब पूरा गाड़ी एकदम धूल धूल में ही भर गया, पूरा गाड़ी मतलब शीशे वीशे एकदम पूरा धूल ही धूल हो गए। अब श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं और हाइट अटेंड करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा होगा। अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रक्स का मूवमेंट है, अटल टनल नहीं, जवाहर टनल अभी आगे, आई थिंक 30 किलोमीटर्स आगे होगा। एक बार जब जवाहर टनल पहुँचेंगे उसके बाद पता चलेगा। वो एक जवाहर टनल पे ना 6, 8, 12, 18 अनलिमिटेड जाम लगता है भाई, अनलिमिटेड जाम लगता है। तो चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, निकलते हैं आगे जवाहर टनल की तरफ। इतने सारे ट्रक्स मैं फिलहाल फर्स्ट गियर पे हूँ, इतने सारे ट्रक सामने से आ रहे थे कि यार आप ओवरटेक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। प्लस ट्रक्स आई डोंट नो अनलोडेड है क्या, बहुत तेज आ रहे थे यार, कभी कभी तो बहुत ज्यादा तेज आ रहे थे। जो खाना हमने खा लिया उसके बाद हमें ढाबे भी नहीं दिखे। लकीली वो लास्ट ढाबा था जहां मनी ने गाड़ी रोकी, मैं तो सो रहा था उस वक्त। और यहाँ पे देखो सारे के सारे शॉप्स बंद हैं, लाइन से शॉप्स बंद हैं। अब शॉप्स बंद हैं तो ट्रैफिक का ज़्यादा मूवमेंट नहीं, अब कुछ लोकल्स हैं जो पैदल चल रहे हैं, अदरवाइज थोड़ी बहुत पुलिस है। रामबान डिस्ट्रिक्ट, ये रामबान डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, तो मिला जुला के यार अच्छा भी है ख़राब भी है, अभी क्या है पता नहीं भाई। लेकिन ये बेसिकली ना ऊपर से जो लैंडस्लाइड होती है ना उसको बचाने के लिए ये कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं, तो ये लोहे का मतलब आयरन मतलब एक शेड टाइप का बना दे रहे हैं सो दैट कि जो गाड़ियाँ जाए उनके ऊपर ना गिरे। ये हमारे साथ स्पिति में हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि हमारा विंडशील्ड यहाँ से पूरा टूट गया था, ऊपर से एक पत्थर सीधे विंडशील्ड पे आया था। तो दिस इज़ गुड, बड़े कितने तक कर पाओगे यार, यहाँ तो पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। सो जी मैं आ गया हूँ पीछे, मेरे घुटनों में जो दर्द हो रहा था ना, मतलब सीरियसली 6-7 घंटा, और 6-7 घंटा ड्राइविंग नहीं यार, 6-7 घंटा में से ना मोर देन 70% टाइम ट्रैफिक। मतलब अभी फिर भी इतना टाइम, अभी कितना मनी बाकी है, मनी 2 घंटे ना, तो 100 किलोमीटर और बाकी अपने को श्रीनगर पहुंचने में। एंड श्रीनगर में अपना हाउस बोट ऑलरेडी बुक्ड है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम खड़े हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया, और बहुत लंबा जैम है, बहुत लंबा, अभी दिख नहीं रहा है बट ट्रक्स आई जा रही हैं, और आई थिंक जवाहर टनल आगे है तो उसका जैम है पूरा। और वादियाँ यार बहुत ही सुंदर वादियाँ, अब ट्रक्स की आवाज़ थोड़ी आ रही होगी। तो ये पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड है budmo.com से। इफ़ यू डोंट नो अबाउट Budmo, दे आर द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट इन इंडिया। इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का हर स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहता है। आपको बस budmo.com पे जाना है और अपने गाड़ी को मेक और मैन्युफैक्चर ईयर डालना है और अपनी गाड़ी का स्पेयर पार्ट सेलेक्ट करना है, एंड यू विल गेट योर स्पेयर पार्ट डिलीवर्ड एट योर प्लेस। प्लस अगर वो स्पेयर पार्ट आपको किसी कारणवश नहीं समझ में आता है तो 10 दिन का एश्योर्ड रिटर्न है। सो गो चेक इट आउट, Budmo का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इस वादियों को थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं। देखो भाई जैम में तो फंसे ही है और इस पर क्रिप करके कुछ कर नहीं सकते हैं, जो कर सकते हैं वो ये नज़ारों को कैप्चर, ताकि अपनी वीडियो ना 3-4 सालों बाद या 5 साल बाद देख के ना याद करें कि यार क्या मस्त नज़ारे थे जहाँ जैम में फंसे थे।
वी आर इनसाइड द जवाहर टनल और ये टनल इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है यार, बट इसका जो जैम होता है ना भाई, क्योंकि ये टनल ना पतला है। कितना टाइम लगा मनोज भाई? करीबन एक घंटा। एक घंटा? एक घंटे से 4 किलोमीटर है। भाई जैम देखो, मतलब क्या खतरनाक जैम है यार, कितना लंबा जैम है, कितना लंबा जैम है। और ये जैम है अटल टनल, नहीं जवाहर टनल के लिए, नहीं। सो वी आर 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अनंतनाग और यहाँ से श्रीनगर अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स बाकी है। 1.5 घंटे के करीब जीपीएस कह रही है, वैसे जीपीएस ने तो आज बहुत कुछ कहा, लेकिन ठीक है, अभी भी हम जीपीएस को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। फिलहाल तो रास्ता थोड़ा खाली दिख रहा है कि 4th-5th गियर तक गाड़ी जा पाए, अदरवाइज तो लास्ट 3-4 घंटे से ऊपर वॉज हॉरिबल, इट वॉज जस्ट हॉरिबल। So guys, we have just stopped here. The sun is about to set. Sunset होने वाला है एक रास्ते पे, पता नहीं अनजान रास्ते पे, अनंतनाग अभी भी आगे है और यहाँ पे रुके हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक है यार, just look at the sky, so damn clear. Can you see white peaks there? पता नहीं कितना visible है lake, पर मुझे zoom करने दो। So वो पूरा white peaks है, यहाँ भी व्हाइट पीक्स मेरे को दिख रहे हैं। रुको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, ये जो 25 किलोमीटर तक का जैम था ना यार, ये बहुत पेनफुल था, बहुत। 4-5 घंटे लग गए, हम 4 बजे तक ना श्रीनगर पहुंच जाते अगर ये जैम नहीं रहता। लेकिन अब नहीं रहता तो ये होता, वो होता, क्या होता, नहीं होता, वो तो किसी को नहीं पता भाई। अभी जो हो रहा है ना, उसमें अपन फुल सैटिस्फाइड अबाउट, क्योंकि सैटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है बॉस। सो वी आर क्रॉसिंग पुलवामा एंड अभी भी अनंतनाग थोड़ा सा और आगे है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है ऐसा लोग कहते हैं। बाकी अभी तक हमें बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ, या बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयड है, मिलिट्री की बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और जो यहाँ से नज़ारे हैं ना यार, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मतलब सही में यार, अगर कतई जहर किसी चीज़ को कहते, देखो आगे भी मिलिट्री है, तो शायद मैं, अच्छा उन्होंने इधर जाने के लिए कहा, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ भी मिलिट्री है, वो पुलिस वाले भैया गन में, तो भाई चेक पोस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। मतलब वो जो एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस है ना, शायद शब्दों में बयान ना कर पा रहे हूँ, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू कश्मीर एंड वी आर कमिंग एंड एक्सपीरियंसिंग दिस, तो हमारे लिए शायद थोड़ा सा नया है। बाकी बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। सो यहाँ पे हम डीजल लेने के लिए रुक गए थे, हमारे गाड़ी में बस 2 पॉइंट बाकी था, तो ऑलमोस्ट ऊपर तक करवा लेते डीजल। एंड फिर भैया यहाँ पे श्रीनगर कितना टाइम लगेगा अभी और? आधा घंटा यहाँ से लगेगा। ओके, सो आधा घंटा लगेगा यहाँ से अपने को श्रीनगर पहुँचने में, एंड फिर देखते हैं फिर का आगे का प्लान आगे बताएंगे। सो थ्रू आउट दिस जर्नी वी हैव बीन ड्राइविंग ऑन NH-44 विच इज़ फ्रॉम कश्मीर, श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। तो कन्याकुमारी में जब हम गए थे तो NH-44 का हमारा रिश्ता था, साउथ इंडिया ट्रिप अगर आपने देखा होगा तो NH-44 पे थ्रू आउट हम ड्राइव कर रहे थे, और फिर यहाँ पे टुवर्ड्स कश्मीर। तो मतलब एक पार्ट हमने जनवरी फेब में कवर किया और एक अभी, और सनसेट देखो यार, मतलब जस्ट लुक एट इट कितना खूबसूरत है। और क्योंकि इतनी धूल और ये थी ना, तो इस साइड तो पूरा ही शीशा इतना गंदा हो गया। ये नज़ारे ना, सीरियसली यार बहुत ही ऑसम है, बहुत ही ऑसम।
शाम के बज रहे हैं 7:15 और अभी भी जो हमारा डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर के आसपास है, 1 घंटे के करीब लगना चाहिए। वैसे भैया ने हमें उधर बोला था कि आधे घंटे लगेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि जीपीएस हमें 1 घंटे कह रही है टुवर्ड्स डल लेक। पूरा हमारा आइटनरी जो प्लान किया ये लद्दाख ट्रिप का, वो वेकेशन क्लब ने किया, तो मैं वेकेशन क्लब के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोई लद्दाख या कहीं भी प्लान करना है तो आप उनके थ्रू प्लान कर सकते हो। और ये सनसेट को देख के ना मैं एक दो फोटोग्राफ खींचने उतर गया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। होटल से बार बार फोन आ रहा है कि भैया कहाँ पहुँचे, आप लोग कहाँ पहुँचे, और यहाँ है कि हम भैया जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मन ही नहीं कर रहा जाने का होटल। चलो सो फाइनली हम लोग श्रीनगर एंटर हो गए हैं, और जो अपना डेस्टिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 किलोमीटर्स के आसपास है। तो क्योंकि आज वीकेंड कर्फ्यू है पूरे जम्मू कश्मीर में, और आज सैटरडे है तो कोई भी शॉप्स नहीं खुली हुई है, अदरवाइज तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती। यहाँ पे मुझे महिंद्रा का भी सर्विस सेंटर दिख गया, महिंद्रा हमेशा दिख जाता है, आई लव महिंद्रा। और हमें लेना है यहाँ पे यू टर्न। अब ये यू टर्न ना ऐसे करके भाई साहब बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा जाम। मैं मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 घंटे से पहले हम कहीं हिलने भी वाले हैं। तो अब 90 मीटर्स के बाद अपन 70 मीटर्स के बाद अपन लेफ्ट टर्न लेंगे, और अपने भाईजान वहीं पे खड़े हैं। और सुंदर तो भाई साहब इधर देखो लेक ये है सामने, वहाँ पे सारे हाउस बोट्स लगे हुए हैं, तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है यार, एकदम अलग एक्सपीरियंस। तो एडवेंचर जो एग्जैक्टली आज तो ट्रेलर था, आज जितने भी एपिसोड्स आपने देखे ना अभी तक ये सारा ट्रेलर था, बिकॉज एक्चुअल जो जर्नी है ना वो स्टार्ट होने वाली है कल से। अभी चलो आपको हाउस बोट के दर्शन कराते हैं। अभी भैया की स्कूटी पे हम बैठ के शिकारा से डल लेक क्रॉस करके अपने हाउस बोट पे जाएंगे, तो अभी भैया का वेट कर रहे हैं। प्लस आज हमें हाँ जी ये रख दिया। तो अभी भैया के साथ, भैया आपका नाम? जाहिद अहमद। ओके, तो अभी जाहिद भैया के साथ जाएंगे अपन पहले हाउस बोट शिकारा से जाएंगे ना, शिकारा से जाएंगे वेकेशन न्यू दिलरुबा हाउस बोट, वेकेशन न्यू दिलरुबा हाउस बोट। तो हमारे हाउस बोट का नाम भी दिलरुबा है। यहाँ पे अगर कोई भी आता है तो पार्किंग मतलब डल लेक नहीं, इधर ही होती है, इधर भी होती है और दूसरी पार्किंग भी। अच्छा दूसरी पार्किंग भी, अच्छा वो थोड़ा दूर है। तो अभी हम शिकारा में आ गए और हमारे पीछे हाउस बोट्स हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है इसीलिए मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार आते आते हमें इतना ट्रैफिक जाम मिला ना। आना तो हम दोपहर में जाते थे, मतलब शाम में, एक्चुअली जीपीएस 4 बजे दिखा रही थी, बट देन आप जाम तो आप लोगों ने देखा ही यार, तो जाम का कुछ कर नहीं सकते, बट जो मोमेंट है ना उसको इन्जॉय कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। वेकेशन क्लब का हाउस बोट है, हाँ। न्यू दिलरुबा हाउस बोट, ये सिटिंग एरिया है। ओके, यहाँ पे गेस्ट लोग बैठते हैं, कॉफी लेते हैं, टी लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर ये पूरा वुड कार्विंग का है, हाँ। ये जो आप ये फर्नीचर देख रहे हैं ये पूरा वॉलनट का है। अच्छा वॉलनट वुड, प्योर कश्मीर वॉलनट का। ओके, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जो आप सोफा देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कश्मीरी हैंडवर्क है। ओके, वॉलनट की। ओके, हाँ ये ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल है कश्मीर का। हाँ, ये सिटिंग एरिया है। तो हम फिर पहुंचेंगे, ये हमारा डिनर एरिया है, यहाँ पर हम डिनर से सिस्टम। अच्छा यहाँ डिनर सर्व होता है, यहाँ पर डिनर सब सर्व होता है। ओ, फ्रिज वगैरह सब चीज, सब कुछ। वाओ वाओ, दिस इज लाइक ए पैलेस ऑन वाटर। हाँ, ये हमारी छोटी सी पेंट्री है। अच्छा, कितना बड़ा है ये ओ भाई, ये कितना बड़ा है। ये हमारी छोटी सी पेंट्री है जहाँ से, हाँ, सब कुछ सर्व होता है। ओके, यहाँ पे बनता है। हाँ, बनता पीछे है। अच्छा, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे लाके सर्व करते हैं। ये हमारे कॉरिडोर है। वाओ, ये कॉरिडोर है, और ये हमारे रूम्स है हाउस बोट के। ओ, ये जस्ट ये सारा फ्लोटिंग होता है। हाँ, मगर आपको महसूस नहीं होगा, हाउस बोट अपनी फ्लोटिंग करता रहता है, मगर आपको समझ नहीं आया हाउस बोट ने ऐसे फ्लोट किया कि नहीं। हाँ सीरियसली, आपको फील नहीं होगा। ये यहाँ पे वॉशरूम है, ये सीधे यहाँ पे वॉशरूम है,
अच्छा बाथटब वगैरह था, बाथटब सब कुछ, प्रॉपर वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम। और इसमें इस वाले हाउस बोट में कितने रूम्स हैं ऐसे? इस वाले हाउस बोट में तीन रूम है। अच्छा तीन रूम है, तीन रूम है। ओके, ये पहला रूम, ये पहला रूम था। हाँ, ये आपका सेकंड रूम है। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये जो कश्मीरी है, कश्मीरी ट्रेडिशनल ये बनाते हैं इसका। हाँ, इसको क्रिवल बोलते हैं। ओके, ये क्रिवल है। हाँ, ये कश्मीरी ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे ये पर्दे भी है, ये सारे हाथ का काम का, ये गांव के लोग बनाते हैं। ये महारानी रूम है। अच्छा, प्रीमियम महारानी रूम। ओके, इसमें ये सब आप देख सकते। हाँ, सब कुछ ये है। और इसमें पावर सॉकेट वगैरह सब चीज रहता है, सॉकेट सब कुछ लगा के होता है, नीचे भी लगा के होता है। हाँ, सब कुछ। ब्यूटीफुल। मतलब ये जो पूरा है वुड कार्विंग का है, ये जो बेड्स है, टेबल्स है, ये सब कुछ वुड कार्विंग का है। हाँ, जो हमारा कश्मीरी का ट्रेडिशनल वुड कार्विंग है, जो वुड ट्री से बनता है। हाँ, तो ये सब उसका है। बहुत ही खूबसूरत, इसको वॉशरूम है। बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत। सीरियसली यार, मतलब मैं हाउस बोट में ना एलएपी में भी रहा, वो भी अलग एक्सपीरियंस था। और ये तो इतना बड़ा है, दिस इज लाइक पैलेस ऑन वाटर यार। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब एक रूम जैसा हमने एलएपी में रहे थे, हम वैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो शैंडलर्स और बाकी सारी चीज यहाँ पे जो आप फील करोगे, यहाँ पे आप घर जैसा फील करोगे। हाँ, ये तो बड़ा है मेरे, यहाँ से होटल सिस्टम नहीं है। तो भैया हमें बुलाने हैं, क्योंकि अपन कश्मीर का फेवरेट और स्पेशल कावा पीने वाले हैं। राइट। हाँ जी, फिलहाल हम खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और चिकन पकौड़ा एंड समोसे, एंड इसमें है कावा विथ एन अमेजिंग वाला व्यू। यार ये व्यू तो ना भाई, मैं कितना भी दिखा दूँ ना, मतलब वो शायद जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम कल सुबह जल्दी यहाँ से निकलेंगे, तो अभी शिकारा राइड हम अभी चलेंगे। मौसम बहुत सही हो रहा है गुरु, मौसम बहुत सही हो रहा है। तो अब ये पानी का बॉटल और एक गुआवा जूस लेके, अब यार गुआवा समय चेंज हो गया भाई, पहले वाले वीडियोस देखो समझ में आ जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड पे, तो अपनी शिकारा वहां पे आ गई है। सबसे पहले मैं पूरा चक्कर, ये जो हम तफरी मारने जा रहे हैं, तो ये कितने देर के तफरी रहेगा? ये रहेगा एक घंटे का। एक घंटे का? ओह वाओ, वाओ, अमेजिंग भाई, मतलब गजब है यार, गजब है। अगर कश्मीर नहीं आया ना भाई, तो फिर तो गलत है यार, बहुत जन्नत मिस कर दिया है। नहीं बिल्कुल, जन्नत। भैया अभी अभी जैसा जितना बड़ा आपका हाउस बोट है, और उतना बड़ा अगर अभी कोई बनाना चाहे तो कैसे? अभी अगर तो अभी के डेट में अगर जाएंगे इस हाउस बोट को, 5-5.5 करोड़ रुपया लगेगा। 5-5.5 करोड़? अभी परमिशन भी नहीं है बनाने की। आप ये शिकारा देखो। हाँ, ये शिकारा भी देवदार का बना हुआ है। ओके, इसका जो बॉटम भी है वो बॉटम भी देवदार का बना हुआ है। जितना इसको पानी में रखेंगे उतनी इसकी लाइफ है। ओ So this is our dinner. So ये राजमा, चिकन, गोभी, मटर, चटनी, रायता, सैलड, पापड़। अब क्या जान लोगे बच्चे की, इतना थक गए ना, मतलब ये पूरा पूरा दिन जो बुरी हालत हुई है ना, but finally this place is worth, this is just worth, मतलब जितना भी pain लिया ना ये वर्थ है उस जगह के लिए। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वेकेशन क्लब का डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इफ यू वांट टू बुक योर ट्रैवल एंड स्टे, डू कॉन्टैक्ट देम, आई थिंक दे आर रियली रियली अमेजिंग। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल निकलने वाले हैं अपन सोनमर्ग, जोजिला एंड पहुंचेंगे कारगिल। ये प्लान है, प्लान कभी भी चेंज हो सकता है। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन, पीस।